हाय गाइस, वेलकम बैक टू करेंट अफेयर्स अटा। और आज हम लोग इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड जो हाल ही में रिलीज हुआ है, 2 मार्च पे रिलीज हुआ है, उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के में क्वेश्चंस आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो इकोनॉमिक्स कुछ आगे जानने से पहले कुछ जान लेते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे है क्या। एक काफ़ी महत्वाकांक्षी एनुअल डॉक्यूमेंट है जो सालाना बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत के अंतर्गत रिलीज होती है। जो जो पास्ट ईयर है, जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है, जैसे तो इस बार की 2019-20 के जो सरकार के जो आंकड़े हैं उसे गिनाती है, सरकार की जो अचीवमेंट्स है उसे गिनाती है, विद डिटेल्ड स्टैटिस्टिकल डेटा फॉर ऑल ओवर द सेक्टर्स। यही डिफरेंस है इकोनॉमिक सर्वे और बजट में। बजट जो है आगामी वर्ष जैसे 2020-21 में क्या सरकार करेगी इसके बारे में बतलाती है, वेयर एज इन केस ऑफ इकोनॉमिक सर्वे पिछले वर्ष में सरकार ने क्या क्या हासिल किया है, या कि मैक्रो इकोनॉमिक की जो यूनिट्स है जैसे इन्फ्लेशन रेट्स, बेरोजगारी दर, ये सब की क्या स्थिति है, उपलब्धियां गिनाती है। ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पहला बार जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ था, जो वो 1951 में रिलीज हुआ था, दैट इज दी जो फाइनेंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1950 एंड 1951 में ये रिलीज हुआ था। और 1964 तक जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट एक ही डॉक्यूमेंट एक ही दिन पे रिलीज होता था, बट 1964 से ये डीलिंक कर दिया गया और इकोनॉमिक सर्वे बजट पेश होने से एक दिन पहले रिलीज होता है। जैसे इस बार बजट 3 मार्च को हुआ, तो इकोनॉमिक सर्वे हम लोग का 2 मार्च को इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हुआ। ठीक इसी तरह सेंट्रल में 1 फरवरी में बजट पेश होता है, तो जो उससे एक दिन पहले 31 जनवरी में इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है। नेक्स्ट, ये कौन रिलीज करता है, ये इम्पोर्टेंट है। कौन प्रेजेंट करता है, जैसे केंद्र पे ये फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं, जैसे इस वर्ष आदरणीय निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया। और स्टेट में हमारे स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिस्टर रामेश्वर उरांव जी ने पेश किया। आपको कमेंट डाउन करके बताना है कि ये कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं। ये बनाता कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज पुट अ स्टार मार्क टू दिस क्वेश्चन। और दो सेंट्रल और स्टेट में दो अलग अलग एंटिटी बनाती है, सो यू मस्ट बी थरो कि कौन कौन बनाता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो है इन अब जो फाइनेंस मिनिस्टर के तहत DEA जो है ये सेंट्रल में बनाता है, और किसके सुपरविजन में, CEA के सुपरविजन में, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के सुपरविजन में। वेयर एज स्टेट में सेंटर फॉर फिस्कल स्टडीज बनाते हैं अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग कम फाइनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क दिस इंपॉर्टेंट एंड मार्क इट अप, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। जैसे कि मैंने बताया इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट कंटेन टू पार्ट, पार्ट वन एंड पार्ट टू। पार्ट वन में इकोनॉमिक सर्वे ने चैलेंजेस गिनाए हमें, जैसे कि इन्फ्लेशन रेट कितना है, बेरोजगारी दर कितना है, और पार्ट टू में जो रिव्यू हुआ प्रीवियस ईयर का कि रेवेन्यू से रॉयल्टी कितना आया, ये कौन सी सेक्टर की कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन रही, ये सारी चीज हम लोग आता है। नेक्स्ट, तो मैंने ये पूरे इकोनॉमिक सर्वे को दो भाग में बांटा है, जो आज मैं आज लाऊंगी ये पॉइंटर्स, पॉइंट 1 to पॉइंट 10, और पार्ट टू में पॉइंट 11 to पॉइंट 20 लाऊंगी। ये टोटल 432 पेज का है और इसका जो पब्लिशिंग डेट है वेबसाइट पे 2 मार्च 2021 में पब्लिश हुआ था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने एक कंसोलिडेट करके कि एक जगह पे मिल जाए, इसलिए मैंने ये स्लाइड बनाया। यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड टू गेट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो लेट्स बिगिन। तो हमारा जो फर्स्ट स्लाइड है वो GSDP के बारे में बात करता है कि अब जैसे कि पूरा भारत जो है कोविड से नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ है, अर्थव्यवस्था की हालत खस्ती हो चुकी थी और झारखंड भारत से परे नहीं है, इसीलिए झारखंड की भी जो GDP है वो 6.9% डिक्रीज हुई है कॉन्स्टेंट प्राइस पे एंड 3.2% डिक्रीज हुई है करेंट प्राइस पे। आप पूछेंगे कॉन्स्टेंट और करेंट प्राइस में अंतर क्या है, तो अंतर यह है कि कॉन्स्टेंट प्राइस में आपकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होती है, करेंट प्राइस में इन्फ्लेशन एडजस्टेड होती है। तो ये लेकिन तब भी सिल्वर लाइनिंग क्लाउड का ये है कि ये एक्सपेक्टेड है कि जो रियल जो GDP है 9.5% इंक्रीज होने की एक्सपेक्ट है इस बार जो है, जो इस वर्ष की जो GDP होगी वो ऐसा माना गया है कि 9.5% होगी अप्रैल 1 तक इस फाइनेंशियल ईयर की। ये एक सिल्वर लाइनिंग है।
नेक्स्ट स्लाइड हम लोग डील करते हैं, आपका जीडीपी आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन पीक पे था 8.1% अक्टूबर 2020 में, और अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो दिसंबर 2019 में इसके जो आंकड़े थे वो 6% थे। आप नीचे कमेंट डाउन करके बताइए कि इन्फ्लेशन टारगेट कितनी होनी चाहिए और कौन सी कमीशन या कौन सी कमिटी ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी कि इन्फ्लेशन टारगेट इतनी होनी चाहिए। पर कैपिटा डेथ के बारे में बात करते हैं, यानी कर्ज, तो प्रति व्यक्ति कर्ज 2014-15 में 12,000 करोड़ था, पर ये आंकड़े बढ़कर 25,000 करोड़ हो चुके हैं 19-20 में। तो आप देख सकते हैं कि कर्ज के मामले में भी झारखंड की स्थिति कुछ अच्छी नहीं नजर आ रही है। हाँ, इन आंकड़ों को देखकर तो ऐसे ही लग रहा है। जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो आ रहा है कि पर कैपिटा इनकम। अगर कर्ज की बात करते हैं तो आय की भी बात करनी होगी, और पर कैपिटा इनकम में थोड़ी सी खुशी देख सकते हैं हम कि जो झारखंड की जो पोजीशन है वो 27th पोजीशन है, और झारखंड से आगे सिर्फ 5 राज्य है। कौन कौन राज्य है? बिहार, झारखंड 5 राज्यों से आगे है, माफ करिएगा, झारखंड 5 राज्यों से आगे है। झारखंड से पीछे सिर्फ 5 राज्य है, कौन कौन? बिहार, असम, मध्य प्रदेश, मणिपुर और उत्तर प्रदेश। तो ये पर कैपिटा इनकम कितनी है कांस्टेंट प्राइस पे, अगर स्थिर मूल्यों पर देखते हैं तो 57863, जो कि 5.2% की बढ़ोतरी है पिछले वर्ष के तुलना में। तो ये थोड़ी एक खुशी की आ सकती है बात कि पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी हो रही है 5.2% की। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल 2016-17 में 49,000 था, जो अभी डिप करके 45,000 हो गया है 19-20 में। तो ये शिक्षा की क्या स्थिति है राज्य में, बिन कुछ कही बहुत कुछ बयां कर दे रही है। 16% स्कूल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक ही शिक्षक है, 43% स्कूल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ 2 टीचर है, और 15% ही स्कूल कुछ ऐसे हैं जिनके 4-5 टीचर है, थोड़ी हालत ठीक है। और स्टूडेंट टीचर रेशियो भी घट गई है, पहले 46.1 थी, ये डिप करके 37.8 हो गई है। आई गेस जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, 6th स्लाइड है, ये बताता है गवर्नमेंट जॉब का। प्लीज पुट अ स्टार मार्क ओवर हियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है। एससी पॉपुलेशन जो है गवर्नमेंट जॉब्स में, ये 3.5% भी नहीं पहुंच पाया, ये 3.49% है, और जो एसटी पॉपुलेशन है वो 5.08% है इस इकोनॉमिक सर्वे 2019-2020 के अनुसार। जो नेक्स्ट पॉइंट है ये मनरेगा। मनरेगा इस बार इसलिए और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि जो लॉकडाउन के बाद जितने भी प्रवासी मजदूर थे, माइग्रेंट लेबर्स थे, वो अपने स्टेट वापस आए, तो उन्हें मनरेगा के तहत एटलीस्ट 100 डेज गारंटी वर्क जॉब मिला। ये मनरेगा एक्ट कब का है? 7 सितंबर 2005, इम्पोर्टेंट डेट है, स्टैटिक पोर्शन में पूछा जा सकता है। तो टिल जनवरी 2021 तक यहाँ पे हम लोगों ने बम्पर इंक्रीज देखा है, 49% की इंक्रीज हमें दिखी है। पहले 642 लाख वर्किंग डेज थी, वर्किंग डेज मतलब 100 दिन की हर व्यक्ति को गारंटी वर्किंग डेज मिलता है, ये पहले 642 लाख था, ये बढ़ के 961 लाख हो गया है, जो 49% इंक्रीज है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और खासियत है, प्लीज पुट अ स्टार मार्क ओवर योर अगेन, 92,000 डिसेबल्ड पीपल, जो विकलांग लोग हैं, इन्हें भी काम मिला है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वो है पाइप वाटर सप्लाई। पाइप वाटर सप्लाई में क्या है कि इंक्रीज, सिर्फ ये चौंकाने वाली बात है कि इतने सारे योजनाएं चल रही है, नल से जल, अटल भूजल एक्सेट्रा, बट सिर्फ 10.73% ही पॉपुलेशन है झारखंड के घर है जिनमें पाइप वाटर सप्लाई है, और ये जो नेशनल एवरेज है उससे 33.47% कम है। और अर्बन एरियाज में भी, रूरल की तो बात छोड़िए, अर्बन एरियाज में 2.4% पॉपुलेशन को एक से डेढ़ किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है सिर्फ पीने पाइप वाटर सप्लाई, पानी लेने के लिए। जो हमारा नेक्स्ट आंकड़ा है ये बता रहा है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, पुट अ स्टार मार्क, और इन सभी के बारे में आपको सिंगल डिजिट एक एक करके याद होना चाहिए। मिल्क में 13%, फिश में 18%, फ्रूट्स में 5%, अंडे में 9% और मीट में 8%। ये एक साल की प्रोडक्शन नहीं है, 5 साल के डेटा को कलेक्ट करके ये इंक्रीज इन प्रोडक्शन बताया गया है। राइस प्रोडक्शन अलग से इकोनॉमिक सर्वे में राइस प्रोडक्शन का मेंशन था, राइस प्रोडक्शन में बढ़ोतरी देखी गई है और ये कुछ अच्छी बात है। 28.94 लाख टन, जो हमारे 18-19 में होती थी, लेकिन इस साल दैट इज 19-20 में ये प्रोडक्शन बढ़ के हमें 31.92 लाख टन मिली है राइस प्रोडक्शन। नेक्स्ट जो आज का इस पार्ट का जो आखिरी स्लाइड है वो हाउसिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे कि टिल 21 फरवरी 2021
6, 7, 8, 9, 9 बेनिफिशियरी जो हाउसिंग पॉलिसीज चल रही है झारखंड सरकार के अंतर्गत की, उनमें 6, 7, 8, 9, 9 लोगों को, फैमिलीज को हाउस मिल गया है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत गर्वनीय महसूस कराने वाली बात है कि 95% हाउसेज जो है वो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के अंतर्गत आ गई है। तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि आपके जो स्वच्छ भारत अभियान जो है ये बहुत हद तक सफल हो रहा है। इन सारे पॉइंट्स को आप अपने मेंस के आंसर्स में इंकॉर्पोरेट करते हैं तो आपको एक एज मिलेगा। तो पार्ट वन के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करें और मैं ज़रूर उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। एंड फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आई एम अटैचिंग दिस PDF लिंक इन द लिंक गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। द इंटायर इकोनॉमिक सर्वे इज बीन रिटन बाई मी इन इंग्लिश सो दैट यू मे नॉट फेस एनी अदर प्रॉब्लम। और जो मेरी एक्सप्लेनेशन है वो बायलिंगुअल है तो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को भी उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, कीप लर्निंग। थैंक यू गाइज।